भारत में हर साल महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर बहुत से श्रद्धालु व्रत करते हैं, कई जगहों मंदिरों में मेले लगाए जाते हैं, देश के हर एक छोटे बड़े मंदिरों को सजाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ का विवाह करवाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने और व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की छटा भी अलग ही होती है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने और दर्शन करने का विशेष महत्व है। देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए थे, इसलिए इनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के सभी काम बन जाते हैं। आइए महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और ज्योतिर्लिंग धामों के बारे में विस्तार से जानें। सोमनाथ गुजरात भारत का सबसे बड़ा और पहला प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ गुजरात में स्थित है। सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। सोमनाथ का मतलब है सोम के नाथ। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर उन्होंने शिव जी की पूजा और तप किया। शिव जी ने ही चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है काशी विश्वनाथ का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह ज्योतिर्लिंग मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। शिव मंदिरों में सबसे पवित्र कहे जाने वाले विश्वनाथ का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड के नाथ। महाशिवरात्रि उत्सव के अवसर पर यह घाट दुनिया भर के शिव भक्तों से भर जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि पर देवी पार्वती से शादी की थी। यह दिन खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर की मूर्ति को दक्षिणा मूर्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह दक्षिण की ओर है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के लिंगम को स्वयंभू स्वयं से पैदा हुआ माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव भक्त पूरी रात मंदिर में पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकाल शिव का उज्जैन शहर पर आशीर्वाद है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। महादेव को ही मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव और पार्वती शिव शैलम में अपने पुत्र कार्तिकेय के करीब रहने के लिए रुके थे, जो कार्बुजा पर्वत पर अकेले रहते थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एशिया के सबसे बड़े भगवान शिव मंदिरों में से एक है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के एक द्वीप माध्यदाता में स्थित है। ओमकारेश्वर नाम द्वीप के आकार पर आधारित है, जो दिखने में ओम आकृति का है। भगवान शिव के दो मुख्य मंदिर हैं ओमकारेश्वर, जिसका शाब्दिक अर्थ है ओमकार के भगवान या ओम ध्वनि के भगवान, और दूसरा है ओमकारेश्वर, जो अमृता का स्वामी है। यह मध्य प्रदेश में दूसरा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। केदारनाथ उत्तराखंड। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर पर जाना सबसे कठिन है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक परीक्षा है। यहां साल में सिर्फ 6 महीने ही जाया जा सकता है। इसे पांडवों ने बनाया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था। भीमाशंकर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भीमाशंकर मंदिर पुणे में स्थित है। यह खेड़ा तालुका में भीमाशंकर पहाड़ियों में भीमा नदी का स्रोत भी है। नागर शैली की स्थापित कला में निर्मित यह मंदिर 18वीं शताब्दी का है। मान्यता है कि प्राचीन मंदिर एक स्वयंभू लिंग के ऊपर बनाया गया है। वैद्यनाथ झारखंड। वैद्यनाथ मंदिर या बाबा वैद्यनाथ धाम या बस बाबा धाम भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है।
ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्य पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने राक्षस राजा रावण को ठीक किया था। वह सबसे बड़े शिव उपासक थे। यहाँ लगने वाले श्रावण मेले में भाग लेने के लिए लाखों तीर्थयात्री आते हैं और महाशिवरात्रि भी मंदिर में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत में सबसे अधिक पूजे जाने वाले और पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान राम ने युद्ध के एक ब्रह्मांड रावण को मारने के लिए बनाया था। उन्होंने हनुमान से कैलाश से एक लिंग लाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। ऐसे में राम जी ने देवी सीता के बनाए रेत के लिंगम की पूजा की। भगवान राम द्वारा पूजे जाने वाले इस लिंगम को रामनाथम के नाम से जाना जाने लगा। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। नागेश्वर गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग दारुकवन में है, जो भारत में एक जंगल का प्राचीन नाम है। भारतीय पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि यहाँ भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक करते थे। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग नासिक शहर में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी और गौतम ऋषि के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करने का फैसला किया था। इसे एक अद्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है क्योंकि इस लिंग के तीन चेहरे हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रतीक हैं। घणेश्वर महाराष्ट्र। घणेश्वर ज्योतिर्लिंग या घणेश्वर ज्योतिर्लिंगम या दुष्मेश्वर मंदिर शिवपुराण में वर्णित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अंतिम या 12वें ज्योतिर्लिंग प्रकाश का लिंग के रूप में जाना जाता है। घणेश्वर का अर्थ है करुणा का स्वामी। घणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर लाल चट्टान से बना है और यह भारत में भगवान शिव का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।